हेलो फ्रेंड, बुक विद प्रियंका के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल पराठा। वेजिटेबल पराठा बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। देखिए, आप अपने पसंद से सब्जी ले सकते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरीके से साफ पानी में धो लिया है। अब हम अच्छी तरीके से सब सब्जियों को हम अलग काट लेंगे। सब्जी नहीं बनाना है, छोटे छोटे पीस में कर लेंगे। ये हमने गाजर ले लिया है, गाजर को हम पीस देंगे, काटेंगे छोटे छोटे पीस में, तो पराठा हमारा अच्छे से बनेगा नहीं। अब हमने ले लिया है पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को हम भी बारीक बारीक इसको भी हम काट लेंगे। अब हम छोटे छोटे पीस में धनिया को काट लेंगे। हमने हरी मिर्च ले ली है, मिर्च को भी इसमें डाल देंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा, तीखा खाना है तो ज़्यादा डालिएगा, नहीं कम तीखा खाना है तो थोड़ा कम ही डालिएगा। इसमें हम डालेंगे टमाटर, छोटे छोटे बिल्कुल पीस में काट के हम डालेंगे। ये देखिए, हमारी जो है सब्जी कट के तैयार हो गई है। ये हमारा है जो लहसुन अदरक हमने थोड़ा सा कूट लिया है, हमने डाला है आधा चम्मच ऑरेगानो का मिक्स है। ये हमने ले लिया है रेड चिली, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला जो है टेंशन बढ़ाता है इसका। एक चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर, हम डालेंगे प्याज, प्याज हमने एक लिया है। और मैं चार लोगों के लिए पराठा बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से सब्जी ले लीजिएगा जितनी आपको बनाना है। अब हम लेंगे एक चम्मच मेयोनीज, एक चम्मच हम मेयोनीज डालेंगे, थोड़ा सा और डाल देंगे। ये देखिए, एक चम्मच हमने जो है रेड चिली सॉस ले लिया है, इससे टेस्ट बिल्कुल अच्छा आता है। अब देखिए, इसमें अब हम डालेंगे आलू। आलू को हमने उबाल लिया है, अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसमें, क्योंकि बिना आलू का तो पराठा बनेगा नहीं। आप कोई भी सब्जी डाल लीजिए, लेकिन आलू तो चाहिए ही चाहिए। ये देखिए, हमने पनीर को घिस लिया है। देखिए, हमने जो है स्लाइस ले लिया है, आप चीज भी ले सकते हो, स्लाइस भी डाल सकते हो, जो आपको मिल जाए वो डाल दो। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, तरीके से मिक्स कर लेंगे। आटा हमने गूंथ लिया है, गूंथने के बाद इसको हम ऐसे कर लेंगे। करने के बाद जो हमने सब्जी बनाई है, अब इसको हम अब जितना चाहो उतना सब्जी डाल सकते हैं इसमें। मोमोज की जरूरत जैसे हम बना लेंगे, अब इसको हम ऐसे करके इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए, हमने आटा लगा के इसको हम अच्छी तरीके से बेल लेंगे, ऐसे गर्म तवे पर रख देंगे। हमारा जो नीचे का हिस्सा है वो सीख गया है। अब इसके अंदर आप इसके अंदर जो है बटर भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी चीज नहीं है तो आप तेल से भी बना सकते हैं इसको। बन चुका है, अब इसको हम ये देखिए, हमारा जो है वेजिटेबल पराठा बनके तैयार है। आप इसको सॉस के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी एक बार जरूर बनाइए और बना के
बताना कि मुझे कैसा बना था। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।